प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना मुद्रा बैंक के तहत एक भारतीय योजना है जिसकी शुरुआत भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 8 अप्रैल 2015 को नई दिल्ली में की थी। मुद्रा बैंक के तहत प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के हस्तक्षेप के तहत इसे 3 श्रेणियां हैं, शिशु, किशोर और तरुण। ये तीनों श्रेणियां लाभार्थियों को विकास और वृद्धि में मदद करेगी। मुद्रा बैंक के प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार है: सूक्ष्म वित्त के ऋणदाता और कर्ज ग्रहीता का नियमन और सूक्ष्म वित्त प्रणाली के नियमन और समावेशी भागीदारी को सुनिश्चित करते हुए उसे स्थायित्व प्रदान करना। सूक्ष्म वित्त संस्थाओं, MFI और छोटे व्यापारियों, रिटेलर्स, स्व सहायता समूहों और व्यक्तियों को उधार देने वाली एजेंसियों को वित्त एवं उधार गतिविधियों में सहयोग देना। तीसरा, सभी MFI को रजिस्टर करना और पहली बार प्रदर्शन के स्तर, परफॉर्मेंस रेटिंग और अधिमान्यता की प्रणाली शुरू करना। इससे कर्ज लेने से पहले आकलन और उस MFI तक पहुंचने में मदद मिलेगी जो उसकी जरूरतों को पूरी करते हो और जिनका पुराना रिकॉर्ड सबसे ज्यादा संतोषजनक है। इससे MFI के प्रति स्पर्धात्मक बढ़ेगी जिसका फायदा कर्ज लेने वालों को मिलेगा। चौथा, कर्ज लेने वालों का ढांचागत दिशा निर्देश उपलब्ध कराना जिन पर अमल करते हुए व्यापारी व्यापार में नाकामी से बचा जा सके, उस समय उचित कदम उठाए जा सके, डिफॉल्ट के केस से बकाया पैसा वसूली के लिए स्वीकार प्रक्रिया के दिशा निर्देश का पालन करना है, उसे बनाने में मुद्रा मदद करेगी। पांचवा, मानकीकृत नियम पत्र तैयार करना जो भविष्य में सूक्ष्म व्यापारी की रीढ़ बनेगा। छठा, सूक्ष्म व्यापारियों को दिए जाने वाले कर्ज के लिए गारंटी देने के लिए क्रेडिट कार्ड स्कीम बनाई। वितरित की गई पूंजी को निगरानी, कर्ज लेने और देने की प्रक्रिया में मदद के लिए उचित तकनीक मुहैया कराएगा। छोटे और सूक्ष्म व्यवसायों को प्रभावी ढंग से छोटे कर्ज मुहैया कराने के लिए प्रभावी प्रणाली विकसित करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत उपयुक्त ढांचा तैयार करना। इस योजना के तहत moneycontrol.com के अनुसार लगभग 1,65,000 लोग लाभ उठाने के ओवर आलेखन सरकार ने 1 दिसंबर 2015 को इस योजना के लिए 15 करोड़ 74 लाख डॉलर जुटाए।